हमेशा शिक्षा को लेकर गंभीर रहती है और रहना भी चाहिए, क्योंकि देश व प्रदेश शिक्षित होगा तभी तो नाम रोशन होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने डोंगरगढ़ विकास खंड के ग्राम बेलगांव हाई स्कूल के महज 200 मीटर की दूरी पर अंग्रेजी शराब दुकान खोल रखी है, जिसकी वजह से रोजाना छेड़छाड़, दुर्घटना, मारपीट होते रहते हैं। समय समय पर छात्र छात्राओं व ग्रामीण जन विरोध करते हैं। सैकड़ों बार शराब दुकान का विरोध हो चुका है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। आज फिर एक बार स्कूली छात्र छात्राओं व ग्रामीण ने SDM डोंगरगढ़ को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। राजनांदगांव जिले के विकास खंड डोंगरगढ़ बेलगांव ग्राम में जो सरकारी शराब दुकान का संचालन हो रहा है, उसे बंद किए जाने की मांग को लेकर स्कूली छात्र छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीण जनों के साथ SDM कार्यालय डोंगरगढ़ पहुंचकर विरोध जताया है। छात्र छात्राओं के इस मांग को जनता जोगी कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष नवीन अग्रवाल व अमर गोस्वामी ने समर्थन किया है। हम बता दें कि जब से शराब दुकान खुली है, तब से यहां पर आए दिन स्कूली छात्र छात्राओं के साथ छेड़छाड़, राहगीरों के साथ मारपीट, गाड़ियों से दुर्घटना, कुछ लोगों की जान भी चली गई है। कई बार इस बारे में अधिकारियों के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ झूठे आश्वासन दिए गए। वहीं पूरा देश कोरोना के संकट से गुजर रहा है और शराब दुकानों को खोलने का निर्णय मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। देश में लॉकडाउन के कारण मजदूरों के पास वैसे ही रोजगार नहीं है और शराब दुकान खोले जाने से देश में भुखमरी की स्थिति निर्मित हो सकती है। जिस उत्साह व लगन से आम आदमी व सामाजिक संगठन लोगों को पका हुआ भोजन व अनाज उपलब्ध करा रहे हैं, वे भी शराब दुकान खुलने से निराश हैं। घरेलू हिंसा के बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण कानून व्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव के साथ साथ दबाव बढ़ेगा। सोचिए, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव शराब पीकर बाजार या पब्लिक प्लेस में उल्टी कर देता है तो परिस्थिति कितनी गंभीर होगी, कल्पना करें। स्कूली छात्र छात्राओं व ग्रामीणों ने SDM डोंगरगढ़ को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम बेलगांव हाई स्कूल के पास से शीघ्र ही शराब दुकान हटाई जाए, नहीं तो आने वाले समय में चक्का जाम किया जाएगा। छात्राओं की मांग कम से कम 2-3 साल पहले से रही है, जिससे भट्टी निर्माण हुई है, तब से छात्राओं की मांग है कि मेन रोड होने के कारण आसपास की छात्राओं को बहुत तकलीफ होती है। स्कूल कितना दूरी है? स्कूल की दूरी कितनी है? लगभग 250 मीटर के आसपास होगी अग्नि शराब भट्टी से। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनती करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के चलते अभी जो शराब भट्टी खोली है उसको बंद करें और कम से कम छत्तीसगढ़ पूर्ण शराबबंदी लागू करें और जो बेलगांव की भट्टी है, अंग्रेजी शराब दुकान है, उसको स्थानांतरित करें। योगी जनता कांग्रेस के द्वारा आंदोलन एक बार और किया गया था, तो क्या आश्वासन दिए थे इन्होंने? जी, आश्वासन दिए थे कि भट्टी वहां से स्थानांतरित हो जाएगी, किंतु ये सब बात कागजों में दबी रह गई है, अभी तक उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। अच्छा, मान लो ये अब समय रहते नहीं हटाया गया, तो अगर समय रहते नहीं हटाया गया तो हमारी पार्टी को आंदोलन करेगी, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। शराब का दुकान है,